प्यारे बच्चों, मैं आपको पाठ 12 सूर के पद बता रहा था। इसमें दो पद दिया गया है। पहले पद में सूरदास ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। वह ईश्वर जिनकी कृपा से असंभव काम भी संभव हो जाता है। दूसरे पद में बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है बाल कृष्ण का, जिसको माँ यशोदा देखकर वात्सल्य से भर जाती है और बड़ा सुख पाती है। इस दूसरे पद में इसी का वर्णन है। तो दूसरे पद को मैं बता रहा हूं। किलकत कान घुटरुवनी आवत। कान मतलब कान्हा, कृष्ण। कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत। कबहू निरखी हरि आप छाह को करसों पकरन चाहत। किलकत कान घुटरवनी आवत। सूरदास कहते हैं कि बालक कृष्ण नंद के स्वर्णमय मणिमय आंगन में, जो सोने और मणियों से बना हुआ है आंगन, उस आंगन में अपने प्रतिबिंब को देखकर, अपनी परछाई को देखकर पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आपु छाह को, और हरि कृष्ण बालक कृष्ण कभी अपने छाह को, अपने प्रतिबिंब को करसों को करसों पकड़न चाहत, अपने हाथ से उसको पकड़ना चाहते, अपने प्रतिबिंब की तरफ दौड़ते हैं पकड़ने के लिए और उसको पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसति साजति दय द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकी हसत, किलकारी मार के बालक कृष्ण हंसते हैं। जब वो पकड़ने का प्रयास करते हैं तो नहीं पकड़ाता है, तो वे किलकारी मारकर हंसते हैं, और हंसने से साजति द्वय दतिया, उनके मुख में जो दो छोटे छोटे दांत हैं वो दिखाई पड़ते हैं, जो बड़े भले मालूम पड़ते हैं, बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं। उनके सुंदर चेहरे पर दो छोटे छोटे दांत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। पुनी पुनी तिही अवगाहत, जिसको वो बार बार खोलते हैं मुख और हंसते हैं तो वह बार बार दिखाई पड़ता है। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा कमल बैठ की साजति। नंद का आंगन सोने का बना हुआ है, जिसमें मणि जड़ा हुआ है, मणि लगा हुआ है, जिसमें चलते फिरते खेलते कृष्ण का प्रतिबिंब झलक रहा है, तो जिसको देखकर कृष्ण पकड़ना चाहते हैं और हंसते हैं, तो उनके दो दांत दिखाई पड़ते हैं सुंदर छोटे छोटे। और इस कनक भूमि, कनक भूमि का अर्थ हुआ स्वर्णमय उस भूमि में करपग छाया, उनके चलने से, चलने पर जो उनके पैर और हाथ, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, उनके चलने से उनके हाथ पैर का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, परछाई पड़ रहा है, इसकी उपमा सूरदास किससे दे रहे हैं? यह उपमा एक राजति प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा। धरती के वह धरती, धरती का वह स्वर्णमय धरती का वह हर स्थान जहां पर वो अपना हाथ पर रखते हैं, कलम कमल बैठ की साजती, मानो कि वहां उनके दो छोटे छोटे पैर और हाथ जो बड़े सुंदर हैं, उसका प्रतिबिंब छोटे छोटे कमलों के समान प्रतीत होता है। जहां वह घुटनों के बल हाथ पैर से स्वर्णमय भूमि पर चल रहे हैं, तो चलने से उनके उस जमीन पर उनके हाथ और पग, कर और पग का सुंदर छोटे छोटे हाथ पैर का प्रतिबिंब कमल के समान दिखाई पड़ रहा है। इस प्रतिबिंब की उपमा सूरदास किससे दे रहे हैं? कमल से दे रहे हैं, कमल के फूल से दे रहे हैं।
उनके दो छोटे छोटे हाथ पैर सुंदर कमल के समान स्वर्णमय भूमि पर प्रतीत हो रहे हैं। वहां की धरती कमल के समान सुशोभित हो रही है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अब इसको देखकर कि श्री कृष्ण बाल श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और अपने प्रतिबिंब की तरफ दौड़ रहे हैं परछाई की तरफ पकड़ने के लिए, और हंस रहे हैं किलकारी मारकर, हंसने से उनके मुख का जो दांत है आगे का वह कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है, उनके चलने से उनके हाथ छोटे छोटे सुंदर हाथ पैरों का जो प्रतिबिंब है कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, जिसकी उपमा यहाँ कवि कमल से दे रहे हैं। इसको देखकर बालक कृष्ण की इस दशा को देखकर सुख बाल दशा सुख निरखी यशोदा, माता यशोदा आकर देखती है तो बालक के इस दशा को देखकर बड़ा सुख पाती, बहुत आनंदित होती है, बहुत हर्षित होती है। पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि नंद बुलावती, और यह देखकर इतनी प्रसन्न है कि वह कृष्ण के पिता नंद को बार बार बुलाती है कि यह देखने के लिए कि देखो कृष्ण कितना भला प्रतीत हो रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, कैसा खेल कर रहा है, कैसा बाल लीला कर रहा है। यह देखकर माँ यशोदा बहुत प्रसन्न होती है और बार बार इसको देखने के लिए अपने पति नंद को भी बुलाती है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। बालक कृष्ण की इस दशा को देखकर माता यशोदा बहुत बहुत सुख मानती है, बहुत प्रसन्न होती है और इसको देखने के लिए नंद को भी बार बार बुलाती है। और ऐसा देखते देखते उनका मन इतना वात्सल्य और ममता से भर जाता है कि अचरा तरले ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो उनके मन में ममता दया ममता वात्सल्य इतना उमड़ जाता है कि वह दौड़कर कृष्ण को उठा लेती है और आंचल के नीचे लेकर उनको स्तनपान कराने लगती है, दूध पान कराने लगती है। तो सूरदास ने इस पद में कृष्ण की बाल दशा का वर्णन किया है, कृष्ण की उस बाल सुलभ दशा का वर्णन किया है, चेष्टाओं का वर्णन किया है, जिसको देखकर माता यशोदा वात्सल्य से भर जाती है और बड़े सुख का अनुभव करती है। इस दूसरे पद में और पहले पद में आपको बताए थे श्री कृष्ण को ईश्वर मानकर उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, उनके चरण कमल की वंदना करते हैं और कहते हैं पहले पद में कि उनकी कृपा से असंभव काम भी संभव हो सकता है, अर्थात गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा पर्वत पार कर सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है और रंक जो है जो दरिद्र है वो अपने सिर पर छत्र धारण कर चल सकता है। सूरदास कहते हैं कि उनके स्वामी हरि ये बालकृष्ण बड़े करुणामय है, अर्थात उनकी कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है, असंभव काम भी संभव हो सकता है, ऐसे करुणा में ईश्वर की सूरदास बार बार वंदना कर। धन्यवाद।